हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अराफात खान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब ठीक ठाक होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो अभी तक मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 के अंदर जो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया लीनियर क्वांटिटीज़ को, बॉडी का स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना, बॉडी का लीनियर पाथ पे मूव करना, इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरीके से आज से मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो भी इसके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, मोशन की अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप देखें बहुत आसान सी बात है, मोशन का मतलब होता है आपको तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। वो तीन चार चीज़ें क्या होती हैं? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की एक्सेलरेशन, बॉडी का मोमेंटम। क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो ये तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो अगर लीनियर क्वांटिटीज हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं कि बॉडी की लीनियर मोशन है, बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी? लीनियर हो जाएंगी। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो अब भी ये क्वांटिटीज होंगी, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम। सो यही फिजिकल क्वांटिटीज लीनियर मोशन के लिए भी हैं और यही फिजिकल क्वांटिटीज सर्कुलर मोशन के लिए भी हैं। अच्छा, लीनियर मोशन को तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैं पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपलोड कर चुका हूं कि यहां पे लीनियर कंडीशंस क्या होती हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब मैं अपलोड कर चुका हूं चैप्टर 3 के अंदर। आज से मैं जो अपलोड करूंगा आपके पास जो कंडीशंस आ रही हैं वो आ रही हैं सर्कुलर मोशन की। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर मोमेंटम को, इन चीज़ों को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से, एंड दैट इज वॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ साथ बेल आइकन पर हिट कर दिएगा ज़रूर, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंडीशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इसको समझने के लिए एक काम ही करता हूं, मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं। ये आ गया एक सर्कल। सर्कल को बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है सर्कल का सेंटर बनाना। ये हो गया सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये हो गया सर्कल का सेंटर। एक बॉडी है, लेट सपोज वो बॉडी मौजूद है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट नंबर P1 पर। ठीक है, जब ये बॉडी यहां पर मौजूद है तो आप इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, है ना। पोजीशन वेक्टर आर आ गया, यानी कि रेडियस आ गया। ओके, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो बॉडी का मूव करना लाजमी है। खड़े खड़े तो बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, बॉडी को मूव करना जरूरी होता है। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इस बॉडी को इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव करना पड़ेगा। तो भाई, बॉडी स्टार्ट हुई इस पॉइंट P1 से और वो कुछ देर के बाद मूव करके और दूसरे पॉइंट पर आ जाती है, उसको मैं कह देता हूं पॉइंट नंबर P2। ओके, जैसे आपने इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर बनाया रेडियस, इसी तरीके से आप पोजीशन वेक्टर यहां पर भी बना दें, ये भी आ गया रेडियस मतलब आर। ठीक है, अब आप नोट करें हुआ क्या, बॉडी इनिशियली सर्किल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट नंबर P1 पर मौजूद थी, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद वो मूव करके इसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट नंबर P2 पर आ गई। अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ कि ये लाजमी है सर्कल के सेंटर पे एक एंगल जरूर बनेगा, है ना भाई। कितने एंगल पर ये मूव करके गई, एंगल तो बनना जरूरी है। जब उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, जब उसकी फाइनल पोजीशन होगी, तो सर्कल में बीच में एंगल लाजमी बनेगा। अब ये जो एंगल बीच में बना है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिपीट कर देता हूं, जब भी बॉडी सर्किल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाएगी तो हमेशा हमेशा बीच में, सर्किल के बीच में बिल्कुल एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन एंगुलर, एंगल से निकला, है ना, मतलब एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखिएगा, बॉडी का सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव करना, एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाना, इसकी वजह से जो एंगल बनता है बीच में, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल
ओके, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? एंगल होता है, जो कि कहां बना? एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये कब बना? व्हेन व्हेन अ बॉडी। ये कब बना भाई? एंगल कब बना? ये एंगल जब बना जब बॉडी सर्कमफेरेंस के पॉइंट पी वन से मूव करके कहां पर गई? पॉइंट पी टू तक गई। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी वन टू ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? कितनी आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंगल का बनना कब बनता है? जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट पी वन टू पी टू, कहां पर? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो ऐसे मूव करने की वजह से जो एंगल बीच में बनता है उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन में आपको बताऊं, यहां पर आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपके सामने कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का, जैसे रेडियस होता है सर्किल का, जैसे डायमीटर होता है सर्किल का, जैसे सर्किल का सेंटर होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये देखें, इस पॉइंट पी वन से लेकर पी टू तक का जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज वॉट, दिस इज आर्क लेंथ। सिंपल सी बात है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को, सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर, यानी कि इस P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस आ रहा है आर्क की फॉर्म में, इसको हम क्या बोल देंगे? आर्क लेंथ कह देंगे। समझ रहे हैं? तो आपके सामने तीन चीजें आ गई। सबसे पहले थीटा, थीटा का मतलब क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी चीज सर्किल का रेडियस। तीसरी चीज क्या डिस्कस करा हम लोगों ने? आर्क लेंथ को डिस्कस किया। आगे चलते हैं। अच्छा, एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं यहां पर, वो कंडीशन क्या? लेट सपोज मैं यहां पर दो सर्कल्स ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ये रहा उसका सेंटर, ये रहा पॉइंट पॉइंट पी वन, ठीक है, और बॉडी यहां से मूव करके यहां तक आ गई, ये रहा उसका पॉइंट पी टू और ये आ गया इसका सेकंड पोजिशन वेक्टर यानी कि आर्क। बीच में बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, और ये रहा आर्क लाइन यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? ये आ गया फर्स्ट सर्किल, इसको मैं कह देता हूं सर्किल नंबर वन। एक और सर्किल बना देता हूं सर्किल नंबर टू। ये देखें बिल्कुल सेम साइज का, बिल्कुल सेम साइज का। थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा हो कि फर्क हो गया, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम साइज के हैं। सेम साइज का मतलब क्या हो जाएगा? जितना रेडियस इस सर्किल का उतना ही रेडियस इस सर्किल का। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, यानी कि दोनों कंडीशंस में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? रेडियस। यानी कि यहां पर और यहां पर रेडियस बिल्कुल सेम है। ओके, पॉइंट पी वन कुछ देर के बाद बॉडी मूव करके चली जाती है पॉइंट P2 तक, ये रहा पॉइंट P2, ठीक है, अगेन ये आ गया रेडियस R, ये रहा रेडियस R और ये आ गया इसकी आर्क लेंथ कंप्लीट, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और बीच में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी के थीटा। अब आप नोट करो, इन दोनों सर्किल्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों सर्किल्स में से किस सर्किल का आर्क लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड वाला सर्किल जो है इसका आर्क लेंथ, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो ज्यादा है, और इस वाले का आर्क लेंथ कम है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है इस वाले सर्किल का, सेकंड वाले सर्किल का आर्क लेंथ क्यों ज्यादा हुआ, इसका क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस सर्किल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उसका आर्क लेंथ भी ज्यादा होगा, और जिस सर्किल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो उसका आर्क लेंथ भी कम होगा। यानी कि आप इस बात को ऐसे करके लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल एज यू लाइक। क्या बोलेंगे? ग्रेटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर विल बी द आर्क लेंथ। जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा आर्क लेंथ, जितना कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना कम आर्क लेंथ। ओके जनाब, इसको फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट पुट करना होता है। इस साइन को रिमूव करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट जरूर आता है। याद है आपको मैंने क्या बताया था? इन दोनों सर्कल्स में से एक चीज कॉन्स्टेंट है, वो क्या? रेडियस। तो आप बोलेंगे यहां पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा रेडियस, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये बन गई इक्वेशन। एस फॉर आर्क लेंथ लिखा हुआ है, आर फॉर रेडियस पता है,
थीटा फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हेडिंग पढ़ लिए हम लोग, पढ़ ही क्या रहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके जनाब, इसी फॉर्मूले को अगर मैं थीटा के लिए लिखना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आके डिवाइड करेगा तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला इसलिए बनाया ताकि हम ये चेक करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए। चले भाई, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, चले भाई हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना है। आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस से शो करते हैं, डी से शो करते हैं, आर से शो करते हैं, चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। यहां मीटर नहीं होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नाउ इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल। चले भाई चेक करते हैं, आपको पता है यूनिट्स हमेशा आते हैं फॉर्मूला से, आर्क लेंथ, भाई बिकॉज ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, तो ये देखें ऊपर क्या आ जाएगा मीटर, अपॉन में आ रहा है रेडियस, आपको पता है रेडियस भी किस फॉर्म में आता है, रेडियस भी हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर, तो आप इस आर का यूनिट भी क्या पुट करेंगे मीटर पुट कर देंगे, तो ऊपर भी मीटर अपॉन में भी मीटर, क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर्स होते हैं। अब आप नोट करो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट अपीयर नहीं हो रहा, नो यूनिट बचा ही नहीं कुछ, एम से एम कैंसिल हो गया, लेकिन आपने इसको एक यूनिट से जानना है पहचानना है, और वो यूनिट इसका पता है क्या होता है रेडियन, रेडियन ये आपने याद रखा है। पूरी फिजिक्स में हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल की तीन टाइप्स होती हैं आपको पता होगा, एक होता है SI फंडामेंटल यूनिट्स, एक होते हैं SI डिराइव्ड यूनिट्स, और थर्ड कैटेगरी पता है कौन सी होती है, वो होती है SI सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स टोटली दो हैं, सिर्फ दो हैं, जो पहला यूनिट है ना वो ये रहा रेडियन, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, मतलब बेसिकली इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट अपीयर नहीं हो रहा, मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर एक यूनिट दिया गया, एंड दैट यूनिट इज व्हाट रेडियन, यानी कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है किसके अंदर रेडियंस के अंदर। इसके दूसरे यूनिट चेक करें जो हमें पता है पहले से ही पता है, अदर, ओके अदर यूनिट्स ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर, अच्छा इनमें से एक यूनिट हमारे पास आता है, इसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री एंड, और एक और यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, एंड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, समझ रहे हैं, यानी कि आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करना है, इसको जो एस आई यूनिट आ रहा है वो आ रहा है रेडियन, इसको जो अदर यूनिट्स में मेजर करते हैं जाहिर सी बात है एंगल है, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं डिग्रीज में मेजर करते हैं, 10 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, और साथ साथ क्या होता है रेवोल्यूशन, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन है या 10 रेवोल्यूशन हैं या 2 रेवोल्यूशन हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के तीन यूनिट्स रेडियन, डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है, अब हम एक काम ही करते हैं यहां पर इसको डिस्कस करके बताते हैं कि ये जो वन रेडियन है आप इस वन रेडियन की डेफिनेशन को कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत आसान सी बात है भाई, लेट सपोज मैं आर्क लेंथ की और रेडियस की बात करता हूं, आपको आपको गिवन है कि भाई आर्क लेंथ है 10 मीटर्स और उसी सर्किल का जो रेडियस है वो भी है 10 मीटर्स, यानी कि बॉडी ने जब सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव किया ठीक है तो उसने आर्क लेंथ कवर की 10 मीटर्स और इत्तेफाक की बात ये हुई कि उस सर्किल का रेडियस भी 10 मीटर्स है। अब आप एक काम करें इन दोनों वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूला में पुट करें, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे भी क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और 1 के साथ यूनिट क्या लगाओगे 1 रेडियन। इसका मतलब अगर आर्क लेंथ और रेडियस बिल्कुल बराबर हो जाए तो बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन, सिंपल, जितनी आर्क लेंथ, ये देखो जितनी आर्क लेंथ और अगर उतना ही रेडियस, और अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं तो बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन, समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप यहां पर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ
एस इज इक्वल टू आर, यानी कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो आप यहां लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, सिंपल सी बात है। और ये कब, जब इस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे, इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं पहले से। देखो, हमारे पास यहां पर 3 यूनिट्स आ रहे हैं, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। एक रिलेशन कैसे, लेट सपोज मैं आपको कह देता हूं कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, मीटर भी लेंथ का यूनिट और सेंटीमीटर्स भी लेंथ का यूनिट। तो इनका रिलेशन मौजूद है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स। इसी तरीके से लेट सपोज 1 घंटे में 1 आवर में 3600 यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आपको पता है आवर्स टाइम का यूनिट और सेकेंड्स भी टाइम का यूनिट, तो इन दोनों का रिलेशन मौजूद है कि हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 आवर एंड हाउ मेनी आवर्स इन 1 सेकेंड, समझ रहे हैं। तो जब आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी के 2 यूनिट्स होते हैं तो आपको उनका रिलेशन बताना होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि रेडियन और डिग्री एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, मतलब रेडियन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो एटलीस्ट आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज और 1 डिग्री में कितने रेडियन। इसको डिस्कस करते हैं। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने रेडियन का डिग्रीज के साथ रिलेशन बताना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर्स। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जिस तरीके से आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स के रिलेशन पता है, तो अब आपने रेडियन का और डिग्री का रिलेशन बताना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज और 1 डिग्री में कितने रेडियंस। ऐसा करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा देखो, बहुत बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको पता भी हो इस बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में। क्या, कि जब बॉडी, इधर देखो, जब बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हो कंप्लीट रेवोल्यूशन करके उसी पॉइंट पर आ जाए, यहां से स्टार्ट हुई और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वापस वहीं पर आ गई, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, समझ रहे हैं। और जब बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है ना, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, उसका जो आर्क लेंथ है वो उतना ही हो जाता है जितना सर्किल का सर्कमफेरेंस, 2 पाई। आप भाई सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है यानी कि लेंथ ऑफ द सर्किल, समझ रहे हैं। तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, वो क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि अगर आपने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 पाई आर, है ना। तो इसका मतलब कि अगर बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है तो उसका आर्क लेंथ, देखो यहां से स्टार्ट हो रही है और मूव करते हुए जा रही है, आर्क लेंथ, और वो यहां तक आगे पहुंच गई, तो इसका आर्क लेंथ तो उतना ही हो गया जितना सर्किल का सर्कमफेरेंस है, तो किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया, सिंपल सी बात है। तो आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक चीज और को डिस्कस करते हैं, इसी फॉर्मूले में आ रहा है थीटा भी, भाई थीटा का मतलब डिग्रीज में बात कर लेते हैं। तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो थीटा होता है वो बराबर हो जाता है 360 डिग्रीज के। दो बातें आ गई, आर्क लेंथ का सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाना और थीटा का 360 डिग्रीज बना देना। ये कब, जब बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। नाउ लेट्स पुट दीज 2 वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। एस की जगह पर मैं 2 पाई आर पुट कर दूंगा और थीटा की जगह पर मैं 360 डिग्रीज पुट कर दूंगा। चलें भाई पुट करके चेक करें। देखें सर, अब हम करते हैं डेरिवेशन क्या, बल्कि 2-3 स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा। एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आ गया फॉर्मूला। नाउ फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एस किसके बराबर है,
टू पाई आर के, तो ये देखें ये आ गया टू पाई आर इज इक्वल टू दिस आर इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आर रहेगा और इस थीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना है 360 डिग्रीज आ गया। सबसे पहले आर से आर कैंसिल कर देते हैं, यहां पर क्या बचा हुआ है टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, सिंपल सी बात है। अब आप बोलेंगे सर ये रेडियन कहां से आ गया, तो देखो आपको पता है इक्वेशन के एक साइड पर एक यूनिट होता है तो दूसरे साइड पर दूसरा यूनिट होता है, तो ये जो आर्क लेंथ है वो किस फॉर्म में आ गई रेडियन की फॉर्म में आ गई, मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, सिंपल सी बात है। तो यहां पर यूनिट आ रहा है रेडियन और इस साइड पर यूनिट आ रहा है डिग्रीज। अब आपने क्या करना है, आप चाहो तो 1 रेडियन फाइंड कर सकते हो और आप चाहो तो 1 डिग्री फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर 1 रेडियन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 रेडियन की। अगर मुझे यहां से 1 रेडियन फाइंड करना हो तो आपको पता है ये 2 पाई यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो यहां पर रेडियन के साथ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो जनाब देखिए क्या बनेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 पाई, वो जो 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा था यहां पर आके डिवाइड कर रहा है तो रेडियन के साथ क्या बच गया 1, यानी कि 1 रेडियन अब आपको मिल जाएगा वो क्या बनेगा कांस्टेंट बनेगा और देखिए क्या बनेगा 360 को आपने डिवाइड करना है 2 पाई, आपको पता है 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 6.28, यानी कि 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो पाई कितना 3.14, पाई की वैल्यू क्या 3.14, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6.28 और फाइनली जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज आ गया, यानी कि एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं, यानी कि जब बॉडी मूव करते हुए 57.3 डिग्रीज पर मूव कर लेना इसका मतलब उसने 1 रेडियन कवर किया, उसने 1 रेडियन कवर किया। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 1 आवर में 3600 सेकंड्स, समझ रहे हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज। आगे चलते हैं, अभी तो आपने बताया फॉर 1 रेडियन, अब हमें यह भी बताना है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं फॉर 1 डिग्री। क्या करेंगे भाई, जब मुझे रेडियन के लिए फाइंड करना था तो मैंने 2 पाई को 2 पाई को डिवाइड में भेज दिया, और अगर मुझे 360 फाइंड करना है सॉरी 1 डिग्री फाइंड करना है तो 360 को डिवाइड में भेज दूंगा, तो देखिए 360 यहां पर 2 पाई के साथ डिवाइड में आ जाएगा, ये देखें 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इज इक्वल टू, वहां पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1, समझ रहे हैं, डिग्रीज हटा देते यहां से, समझ रहे हो, ओके 2 पाई के अपॉन में आ गया 360 और यहां पर क्या बच गया 1 डिग्री, और यहां पर जो यूनिट आ रहा है वो ऑलरेडी कौन सा आ रहा है रेडियन। अब भाई आपने क्या करना है, अगेन 6.28 को डिवाइड कर दो 360 डिग्री सॉरी नंबर से, तो आपको मिल जाएगा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, यहां पर आ रहा है यूनिट रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो जनाब आपको आज दो कॉन्स्टेंट्स पता चले, वो ये कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, और ये दोनों रिलेशन आपने कहाँ से पता लगाए, वो यहाँ से पता लगाए, और ये कहाँ से आया फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आया, समझ रहे हैं। तो ये वो डिस्कशंस थी जो आपने करी, कौन सी डिस्कशंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कंप्लीट बोर्ड के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, जब बॉडी सर्किल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाती है तो बीच में एंगल जो बनता है उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। आपने रिलेशन बनाया एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस का मतलब था आर्क लेंथ और थीटा का मतलब था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितना थीटा होगा उतना ही आर्क लेंथ ज्यादा होगा, जितना कम थीटा होगा उतना ही कम आर्क लेंथ होगा, इस फॉर्मूले से आपने ये रिलेशन बनाया और उसके बाद आपने यूनिट्स को चेक किया, हाँ भी पता चला कि इसका रेडियन यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट है, समझ रहे हैं, और इसके अदर आपने ये बताया कि हाँ भाई रेडियन के साथ साथ इसके डिग्री और रेवोल्यूशन भी यूनिट होते हैं, तो आपने डिग्री और रेडियन का रिलेशन बता दिया कि एक डिग्री में सॉरी 1 रेडियन में कितने डिग्रीज या 1 डिग्री में कितने रेडियंस। तो जनाब ये कंप्लीट टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक जो ऑलरेडी बहुत आसान था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक कंडीशन आपने पढ़ ली
उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसके अंदर हम लोग दो चीजें एक साथ पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। कोशिश करूंगा कि मैं ये दोनों की दोनों चीजें एक ही वीडियो के अंदर बता दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वीडियो का जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है, मुझे लगता है कि एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना चाहिए, तो मैं अलग अलग कर दूंगा। या मुझे कॉमेंट्स में बता दें, जो देख रहे हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बता दें कि सर आपको अलग अलग करना चाहिए या एक ही वीडियो में अपलोड कर दूं, समझ रहे हैं, तो मैं वो उसके मुताबिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है जनाब, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, अपनी राय का इजहार करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।